शिकागो से, मैं हूँ शशिकागो भूटला और बेल्जो की तरफ से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, सुनिए मजा आएगा। तो बात ये थी कि सहिला सुषमा और सीमा, जी हाँ, ये तीनों गहरे दोस्त थे। तीनों की जिंदगी ऐसे ही चले जा रही थी, इतने में सुषमा की शादी तय हो गई। सुषमा चली गई चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से न्यूयॉर्क। शहर के अंदर रह गए दो, सीमा और साहिला। सीमा और साहिला के दोनों के बीच में भी सीमा की शादी भी तय हो गई और सीमा भी चली गई। बच गई सिर्फ, तो तीनों एक दूसरे के संपर्क में कैसी थी, तीनों एक दूसरे से मेल करके बातें करती थी। काफी सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और बिल्कुल जुड़े रहे सुषमा साहिला और सीमा, तीन देवियां। क्रिकेट के जबरदस्त शौकीन थे और दुनिया में उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकते थे। 2013 30 अक्टूबर सुषमा का मेल आना बंद हो गया। वैसे मैंने कहा कि तीनों को कोई अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन ये तीनों में से एक अलग हो गई। बात ये थी कि सुषमा ने मेल का जवाब देना क्यों बंद कर दिया। दोनों को आश्चर्य हो रहा था। अब ऐसा हुआ कि साहिला और सीमा दोनों पर्सनली मिलने के लिए प्रोग्राम तैयार किया और दोनों एक दूसरे के लिए एक दिन तय कर दिया। दोनों मिले, दोनों का पहला सब्जेक्ट यही था कि सुषमा क्यों गायब है, सुषमा मेल का जवाब क्यों नहीं दे रही है। दोनों का गपशप चल रहा था कि दरवाजा हल्के से खुला और सामने खड़ी थी सुषमा। यानी तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता, मैंने बोला ना आपको। तो दोस्तों, ये तीनों फिर से मिल गई और बिल्कुल सुषमा अंदर आ गई और सुषमा के अंदर आने से एक रौनक आ गई। अब बात ये थी कि वो राज क्या था कि ये तीनों 2013 से अब तक मेल के जरिए दूसरे से कॉन्टेक्ट से कैसे कट गए थे, क्यों कट गए थे, बात क्या थी, आइए देखते हैं। सुषमा कहाँ थी तू, ये मेलों का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। अरे यार, मैंने कम से कम तुझे 27 मेल भेजा, 27 के बाद तो मैं थक गई। अरे तू 27 की बात करती है, मैंने इसको 74 मेल भेजे, 75 नहीं भेजा। क्यों? अरे क्या बताऊं यार, 74 मेल के बाद में भी जब इनका जवाब नहीं आया तो मुझे आया बड़ा गुस्सा और फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं अभी सुषमा को मेल नहीं करूंगी। सुषमा बता ना कहां थी,
क्या बात थी, क्या जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी थी कि जिसने तुम्हें परेशान कर दिया था? तो क्या हम नहीं थे? हमें नहीं बता सकती थी? अरे यार कुछ तो बोल सुषमा। अरे सुषमा बता ना क्या बात थी। अब सुषमा की बारी। सुषमा बड़ी मुस्कुराती हुई अंदर आई, हाथ पकड़कर साहिला और सीमा का हाथ पकड़कर मुस्कुराती रही। ये दोनों परेशान, यार बताना क्या बात है। तब उसने हाथ छुड़ाकर अंदर जाके फ्रिज से ठंडा पानी का बोतल उठाया और पानी पीने लगी। ये दोनों बड़ी ही बेचैन। अरे यार सुषमा बताना क्या बात थी। सुषमा बिल्कुल बाहर गई, थोड़ी देर में लौटी। लौट कर जब इन्होंने एक छोटा सा बच्चा देखा, ये बच्चा था सुषमा के साथ एक गोरा सा बालक, गोरा सा बच्चा, चिट्टा, फॉरेनर, यूरोपियन। अरे हाउ क्यूट। साहिला और सीमा दोनों सुषमा के बच्चे को गोद में उठा लिया। तो सुषमा ने राज खोला। सुषमा ने बताया कि देखा इन्हें, ये है मेरी जिंदगी 2013 30 अक्टूबर। उसके बाद मैंने तुम लोगों को मेल नहीं किया, ये वो दिन था। मेरी जिंदगी में वो खांसी आई जिस दिन मुझे लगा कि मैंने कुछ गलती की है या फिर वक्त ने मेरे साथ धोखा किया है। ये लड़का जिसको मैंने गोद लिया था, ये गूंगा और बहरा था। हाँ ये आज भी गूंगा और बहरा है। साहिला और सीमा का ये सवाल बड़ा ही स्वाभाविक रूप से आया। सुषमा ने बच्चे को बोला, बैठ योर आंटी, शी इज साहिला एंड शी योर स्वीट आंटी सीमा, से नमस्ते। एंड द बॉय, हाँ जी, लड़के ने कहा नमस्ते। क्या कहते हो? लड़का बोला मजा आई इस कहानी में, फिर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दुनिया को बताइए नमस्ते।